तो हाँ जी, राम राम भाई सभी पशुपालक साथियों को। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग फिर से स्वागत करूं भाई आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सियाग डेयरी फार्म जुलाना पे। और देखो भाई, आपका प्यार सपोर्ट ही है जो मतलब इतनी दूर जाके वीडियो कवर करना और आप लोगों को हर रोज़ देना। और भाई सुबह भी भागो दौड़ रहे हैं, शाम को भी भागो दौड़ रहे हैं, कई बार तो रात को 12-12 बज जाए घर पर पहुँचते हुए। भाई आपका प्यार प्रेम है, खींच कर रखियो, हम भी काम ने खींच कर रखेंगे। क्योंकि व्यापारी की वीडियो हमेशा कवर होती हैं, पर जहां आम पशुपालक की बात आओ भाई, किसी की मेहनत नज़र ले रंग लेकर के आओ है, तो वहां मन भी खुशी मिले है कि भाई कोई परिवार है किसी चीज़ को मेहनत करके उसका पालन पोषण करके उसको मतलब बड़ा बना हुआ है और फिर आपके समक्ष वीडियो में ऐसा रखवा हुआ है। तो उसी मकसद को फिर पूरा करेंगे आज बिल्कुल। जो चार दांत जोटी अच्छे एडर की भाई, जो कहते हैं कि भाई थनों के जो मतलब मजबूती होती है असली जो फर्स्ट टाइमर की, वो आज देखने के लिए मिलेगी भाई वीडियो में। बाकी जानकारी मेरे साथ भाई साहब हैं, पूरी जानकारी भाई ते ले लें। तो नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। और भाई साहब ठीक हो? बढ़िया भाई। एक आपने जितने देखने ला रहे हो सारे नाथ जोड़ के राम राम करते हैं। राम राम भाई साहब सारा ने। क्योंकि देखो वीडियो नहीं पता 500 पर रहेगी, 1000 पर जाएगी, 20000 पर जाएगी, 30000 पर जाएगी, पर जितने भी देखे उन्हें ये लगना चाहिए कि भाई एक आम किसान है भी, एक मतलब उसका भी क्या दबदबा है इस फील्ड में। तो है ही भाई साहब, क्योंकि डायरेक्टर हो आप तो। क्योंकि देखो आपका ना तो सेल परचेज का काम, ना ज्यादा पशुआ का काम, घर पे तैयार की एक आधी साल से भी ना बेच दी भैया, बिल्कुल असली डायरेक्टर तो आप हो इन व्यापारियों के, मानते हो इस चीज ने भाई साहब? ये बात तो है ही भाई साहब, बिल्कुल। और भाई देखो ने पाला हाँ, और बहुत मेहनत करनी पड़े, सारा दिन इनके ऊपर रहना पड़े है। तो अपना एक बार एड्रेस कंफर्म कर दो भाई जी। भाई साहब मेरा नाम राम निवास है, गांव बोडा उसनाक है, फतेहाबाद है, तहसील फतेहाबाद के पास में है, अगरवा से 3 किलोमीटर, जिला अपना फतेहाबाद लग जाए, बिल्कुल। अगरवा से कितनी दूर अपना? 4 किलोमीटर पड़ जाए, 3 या 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और अपना हिसार साइड से कितने किलोमीटर पड़ जाए? हिसार से ही तो नहीं, मतलब अगर हुआ तो 4 किलोमीटर हो गया आपसे। हाँ। प्रॉपर हिसार कितनी दूर हो गया आपसे? यहाँ से 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर हिसार है। तो क्योंकि देखो कोई अपना एस्टिमेट लगा सके उस चीज से कि भाई अगर हुआ इतने किलोमीटर पड़ जाए आपने और वो इतना, तो उसमें सुनने वाले को देखने वाले को संतुष्टि मिल जाए, संतुष्टि मिले भाई साहब इस चीज से। तो आज की वीडियो में कैसा पशुधन है भाई साहब अपने पास? भाई साहब पहला ब्यांत है अपने जोटी का। अच्छा, पहला ब्यांत में है। हाँ। बिल्कुल, जो मैंने भाई वीडियो के अंदर बात की थी कि भाई जो थनों की क्वालिटी जो जोटी की देखने के लिए मिली है भाई, बिल्कुल जो एक ये लगा ले कि भाई अच्छे जो मतलब मजबूती वाले थन हो ना, वाले थन है भाई, बिल्कुल। तो क्या कुछ जानकारी है भाई जी इसकी कि भाई कितने दांत में होगी? 4 दांत है भाई साहब। ये 4 दांत होगी। तो किस सीमन से है मतलब ये? ये मुर्रा नस्ल का टिक्का रखवाया था मैंने, तो सीमन रखवाया था। ये सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया था आपने? हाँ बिल्कुल। देखो भाई हमेशा देखो जितने भी आम पशुपालक वीडियो देखे हैं, एक काम जरूर किया करो, अगर देखो आगे चल करके आपका पशु बेहतर तैयार हो जाता है तो रिकॉर्ड चीज होनी बहुत जरूरी है। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई मुर्रा नस्ल का जो टिक्का रखा गया था इस जोटी का, और ये भी खुद मुर्रा नस्ल की है जो इसकी माँ का सीमन रखा गया था, तो इसमें बहुत फर्क हो भाई। एक स्ट्रो जो मिलती है वहाँ से, तो वो पशुपालक अपने साथ जरूर रखें ताकि जो ब्लड लाइन है वो आगे चल करके किसी का नाम कर सके और उस ब्लड लाइन का ज़्यादा इस्तेमाल हो सके ताकि ब्रीड सुधरे। तो भाई जी HLDB में जो अपना सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ अपने सीमन रखवाए। हाँ जी। और ये भी सरकारी हॉस्पिटल की है। हाँ। अच्छा, तो मदर मिल्क जैसे कहते हैं कि भाई आपने तो घर पे इसकी माँ भी रखी होगी भाई साहब, तो उसका क्या कुछ दूध का जो अपना अनुपात? 15-16 लीटर काढ़े पहले ब्यांत से लेके उसने, पहले ब्यांत से मतलब। हाँ। फिर 17-18 लीटर दूध में बेची है मैंने। 17-18 लीटर दूध में बेची है अपने। तो कितने ब्यांत पिया अपने? 8वें ब्यांत में बेची है। 8वें ब्यांत में। तो उनमें से एक कटड़ी है उसकी। हाँ बिल्कुल। तो देखो जो माँ होने के, क्योंकि बेटी हो। हाँ। माँ पजाव है। हाँ, आपने तो जो माँ की जानकारी दी इसकी वो बिल्कुल देखो अच्छी होंगी तो वो करेक्टर इसके अंदर। हाँ। होंगे तो इसकी माँ के भी थन ऐसे ही थे बिल्कुल। हाँ, एक्यूरेट ऐसे ही थे, एक्यूरेट ऐसे ही मतलब दूध बढ़िया निकाला करती हुआ एवरेज में। तो भाई काफ़ी हद तक देखो भाई सींगों के साथ कोई बनावट नहीं कर रखी। बाकी देखो भाई आम पशुपालक के यहाँ से वीडियो कवर हो रही है भाइयों। आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना, तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट हरेक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। थोड़ी बहुत 19-21 भाई साहब तो कुछ गलती हो जाए, मेरे तो कुछ गलती हो जाए, तो भाई समा जरूर करियो, क्योंकि देखो भाई साहब भी फर्स्ट टाइम वीडियो शूट करवाए हैं। और भाई आम पशुपालक के साथ ना मैं ज़्यादा बहस किया करता, व्यापारी के साथ कितना बहस करवा लो, क्योंकि ये अपनी मेहनत का मांगे हैं भाई। और मेहनत का भी देखो अगर देखा जावे
तो कम से कम भी 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये में कटड़ी तैयार हुआ है। अगर पूरी एवरेज उसकी पूरी एवरेज लगावा तो भाई साहब 2.5 लाख बिल्कुल। तो ये पशु कैसा निकले कैसा ना निकले, हाँ। तो कितने दिन शेष रहेगी बच्चा देने में भाई जी? ये भाई साहब 3 या 4 दिन ही रह रही, 3-4 दिन रहेंगे इसके। तो बात करें कि आपने कितना विश्वास अपनी जोटी पे जैसी तैयारी कर रखी है, खिला रखा है, उसी हिसाब से तो 15 लीटर तो काटनी चाहिए, 14-15 लीटर मतलब निकाल देगी। तो बाकी थनों की क्वालिटी तो लगे भी वो आप देखने लग रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। और पहला ब्यांत है इसके केवरा फालतू काट दे, केवरा कम भी काट दे, कम भी काट दे। तो बात रहे भाई साहब बाहू की, क्योंकि देखो बाहू पे बात आके अटके, अगर पशु हर घर में है हर जगह है पर बाहू के साथ ही सब कुछ चले है, तो अपना भाव के रखोगे, कीमत क्या रखोगे? लेना देनी बता दूं, लेना देनी कस्टमर ने अपन तो घर ले जाएगा तो भी अगला जीसोरा होगा 1,51,000 रुपए 1,51,000 रुपए की। और आगे ब्याह होगी उस टाइम का अलग रेट होगा भाई साहब, वो बिके बरा बढ़िया और दूध में बढ़िया दूध एवरेज निकाल दिया, कम भी हो जाए। अभी का यो रेट है, अभी का 1,51,000 जो भाई ने भाई निर्धारित किया है, क्योंकि देखो आगे भाई ने बताया कि भाई 3-4 दिन बच्चा देने में शेष है, तो क्या पता भाई ज्यादा ही उम्मीद था मतलब अच्छी निकल जाए या ज्यादा ही खराब निकल जाए, तो वो फिर मौके का रेट होगा। आगे तो अभी फिलहाल का 1,51,000 रुपये है। तो भाई बिल्कुल बाकी जो सुस्पष्ट तरीके से भाई आपने जो पशुधन देखा पूरी वीडियो के अंदर, तो वीडियो कैसी लगी और भाई का जो व्यवहार है और पशुपालन में जो भी युवा साथी आना चाहते हो भाई आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि भाई युवा पशुपालन ऐसा काम करे? मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूँ कि पशुपालन वर्गा तो बढ़िया काम है कोनी ठीक बात है भाई जी। हाँ। और थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भाई कोई भी धंधा हो अपना, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। तो भाई हमेशा देखो हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीख लेकर के जाया हूँ, आज भाई से जो सीख ली है भाई बिल्कुल जो शांत स्वभाव से रहना ये मन आज बहुत बिल्कुल मन्नत होगी ये बात की भाई बिल्कुल जो शांत नेचर के हैं, क्योंकि एक आधा वीडियो शूट करवाऊँ तब थोड़ा एग्रेशन या एटीट्यूड या कुछ इस तरह दिखे, मैंने तो पहली बार ये करवाई है भाई साहब बिल्कुल भाई का नेचर बहुत बढ़िया था। तो इसी के साथ भाई कमेंट करके जरूर मेरा भी हौसला बढ़ाओ और भाई का भी भाई, ताकि आगे बहुत अच्छा काम कर सके और अच्छा नगीना आपके समक्ष लेके आ सके। तो इसी के साथ भैया ने माफ करियो बिल्कुल भाई, ये सारी चीज अपन वीडियो के अंदर बोल दी है। तो इसी के साथ भाई सभी पशुपालक साथियों को राम राम है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है भाई जी।